बात कुछ और भी हो सकती है। इसीलिए हम किसी मैत के ताल्लुक से, हाँ उसको पुरसा देने का जो ताल्लुक अहादीस शरीफों में बयान किया गया है वो निहायत जामे है। वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इंतकाल हुए, सहाबा के इंतकाल हुए, सहाबियात के इंतकाल हुए। अब ये और बात थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ने के बाद मग़फ़िरत न होने का सवाल ही नहीं पैदा हो। इसीलिए जब एक नाफिल का इंतकाल हुआ, जैसा कि मैंने खुतबे से पहले नमाज जनाजा से मुकाल एक आयत तिलावत की, वला तुसल्ली अला अहदिन मिन्हुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही, हबीब इसकी जनाजा न पढ़ना, क्योंकि इसने बहुत सताया है, इस्लाम ने लाया, मुसलमानों को सताया, तुझे सताया, इसकी जनाजा ना पढ़ना। क्यों? तेरे कदम इसकी खबर पर अगर चले जाएंगे या तू जनाजा पढ़ लेगा, मुझे यकीनी तौर पर मग़फ़िरत करना पड़ेगा। तो नमाज जनाजा के इसके बारे में आता है। तो इसीलिए किसी भी मस्जिद के बारे में अच्छा गुमान करें, बुरा गुमान हरगिज़ ना करें, जितना जल्द हो सके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, इसको अल्लाह से मिलने के लिए तुम रुकावट बन रहे हो, यहाँ दीदार वहाँ दीदार दीदार फला जगह, ये रुकावटें क्यों बन रहे हो? अल-मौत जसरुन, मौत एक पुल है, तो एक हदीस को दूसरे हदीस से मिला, फौरन इसको अल्लाह के पास भेज दो, तुम रुकावट क्यों बनते हो? यानी ये अगर गुनाहगार है तो इसको अपने कंधों पर कब तक लिए फिरोगे? जल्दी से इसको छोड़ना। दोनों बातें हुज़ूर ने फैसला अब आपको करना है। अब उसके बाद नमाज जनाजा के अहकाम आएंगे। नमाज जनाजा फर्ज किफाया, नमाज जनाजा फर्ज किफाया। फर्ज की दो किस्में हैं, फर्ज आयन फर्ज किफाया। ये पंजगाना जो नमाजें हैं ये फर्ज आयन है। आयन का मतलब होता है जिस पर वाजिब है वो शख्स अदा करना जरूरी है, जब तक वो अदा नहीं करेगा उससे साबित नहीं होगी। नमाज जनाजा फर्ज़े किफाया, फर्ज़े किफाया का मतलब होता है बस्ती से आबादी से चंद लोग भी अदा कर लें तो सबकी जिम्मेदारी से साबित हो जाता है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, यहाँ पर एक पैगाम हमें लेना है, हमने नमाज जनाजा को फर्ज़े आइन बनाया है। हर कोई कोशिश करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ही अच्छा होता ये फर्ज़े किफाया ही रहे, लेकिन फर्ज़े आइन जो हम पर वाजिब है उसकी अदायगी में हम एहतमाम करें। गली कूचे सड़कें क्या नहीं, फला का जनाजा, और जो आदमी जितना मशहूर है उसके जनाजे में उतनी ज्यादा लोग, यकीन बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 लोग भी अगर किसी के जनाजा में हो, और जबकि खाली वक्तों में मस्जिदें हमारी खाली खाली रहती है और ये कराना पड़ती है, ये मसीहा पड़ती है, मस्जिदें मसीहा कहाँ है कि नमाजी ना रहे, नमाजी ना रहे, वो सहाबे औसा हिजाजी ना रहे। जब जुआ आता है तो लोगों की कसरत की वजह से मस्जिदें छोटी पड़ जाती है। मस्जिद छोटी नहीं है, मस्जिद तो उतनी ही है जितनी तूने बनाई है, लेकिन उसकी उसको सजदों से कब आबाद करोगे? जबकि नमाज जनाजा एक ऐसी नमाज जिसमें सजदा नहीं है। तो बहरहाल नमाज जनाजा के हकदार सबसे पहले फिला की किताबों में लिखा है अस्सुल्तान अहक, बादशाह वक्त सबसे ज्यादा उसका हक रखता है। अगर वो सल्तनत के कामों में मसरूफ है तो नाइब, बादशाह का नाइब असिस्टेंट, उसका जो नाइब होता है वो भी अगर नहीं, काजी साहब काजी वक्त, इस्लाम में काजी वक्त का जो मुकाम है एज ए चीफ जस्टिस का उसका दर्जा है।